हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे मेरे वीरा भरावां नूं, ते स्वागत करदे आं तुहाडा अज दी इस नवीं वीडियो दे विच। अज दी वीडियो शुरू करन तों पहलां जिहड़ा आपां इक कल ब्लॉग अपलोड कीता सीगा, जिहड़ा कि एक डेयरी फार्म दा सीगा, क्योंकि जिहड़े मेरे वीर भरा नवें नवें इटली नूं आउंदे आ, उहनां नूं कई वारी इत्थे आ गए, कई वारी जिहड़े कम्मां दे हालातां दा नहीं पता हुंदा जां किस तरीके दे कम्म आ, ते इत्थे जिहड़े डेयरी फार्मां दे आ उह कम्म किवें कीते जांदे आ। सिर्फ डेयरी फार्मां दे नहीं, ते होर भी जिहड़े काफ़ी कम्म आ, असीं सारिआं दी वीडियो जिहड़ी आ जरूर अपलोड करांगे। ते वध तों वध मेरे वीर भरा उह वीडियो नूं देखिआ करो, क्योंकि उस तों तुसीं इक अंदाज़ा ला सकदे आ किस तरीके दे कम्म जिहड़े आ इत्थे कीते जांदे आ। ते इस दे नाल ही अज दी वीडियो दे विच आपां गल करांगे कि जिहड़े मेरे वीरां भरावां दे बाकी सवाल आ सारे। कई मेरे वीर भरा पुछ रहे कि कोटियां दी जिहड़ी वंड आ उह कदों होणी आ, ते उस बारे भी इक गुड न्यूज़ आ आपां तुहाडे नाल शेयर करांगे इस वीडियो दे विच। ते होर भी मेरे वीरां भरावां दे काफ़ी कमेंट आ जिहड़े कि वीडियो दे थल्ले कीते जांदे आ, ते उहनां सारे सवालों दे इस वीडियो दे विच आपां जवाब देण दी अज कोशिश करांगे। ते इस तों पहलां जेकर तुसीं चैनल ते नवें आए सीगे तां चैनल नूं कर लिओ सबसक्राइब, ते जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगदी हुंदी आ तां लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिया करो, ते जिहड़ा नोटिफिकेशन वाला आ बटन उहनूं भी ऑल ते प्रेस कर लिओ, तां जो तुहानू जिहड़ा हर वीडियो दा नोटिफिकेशन मिल जावे। ते कर दिओ वीडियो नूं वध तों वध शेयर। ते हुण ज़्यादा समां ना खराब करदे हुए करदे हां आपां वीडियो की शुरुआत। हाँ जी, ते सब तो पहलां आपां गल कर लैंदे आ जी अज दी गुड न्यूज़ की। ते अज दी जिहड़ी गुड न्यूज़ हैगी आ उह इही आ कि जिहड़े अपने कई वीर भरा पुछते रहेंगे बार बार के कोटियां की जिहड़ी लिस्ट कदों आनी आ, क्योंकि हरेक नूं इह हुंदा कि क्योंकि जिथे उन्हां दे पेपर भरे गए आ हरेक वीर भरा नूं इह हुंदा कि उत्थे किन्ना कोटा सीगा ते किन्ने टाइम ते जिहड़े उह पेपर भरने शुरू होए सीगे। ते हुण जल्दी जिहड़ी आपां नूं आ कोटियां की वंड जिहड़ी आ उह मिल जाणी आ, क्योंकि जिहड़े इह पेपर भर होए सीगे 2024 वाले इह परफा तुरे नूं भेज दित्ते गए आ, ते इस तों बाद जदों पेपर जिहड़े आ जिलिआं दे हिसाब नाल वंडे जाणे आ तां पता लग जाणा किहड़े जिले दा किन्ना कोटा सीगा, ते उस तों बाद जिहड़ियां लिस्टां भी जिहड़ियां जारी हो जाणियां सरकार वल्लों। ते जदों कोटे की वंड होगी तां उस तों बाद जिहड़े तुहाडे एजेंट ने जां जिहड़े तुहाडे मालक ने तुहाडे पेपर भरे हो आ उहनां नूं पता लग जाणा कि तुहाडे जिहड़े पेपर आ उह कोटे दे विच आए आ जां नहीं, तुहाडे पेपर निकलूगे जां नहीं, क्योंकि इस बार जिहड़ी टाइमिंग सीगी पेपर भर होण दी उह काफ़ी लेट सीगी। ते कई मेरे वीरां भरावां दे बहुत कमेंट आउंदे आ ते उह अपनी टाइमिंग दसदे आ उहदे विच कि उहनां दे पेपर जिहड़े इन्नी टाइमिंग दे उत्ते भर होए सीगे, क्योंकि इस बार जिहड़ियां साइटां आ उह काफ़ी ब्लॉक होईआं सीगीआं जिहदे करके जिहड़े आ हर पासे जिहड़े पेपर आ काफ़ी लेट क्लिक होए सीगे। ते जदों हुण कोटियां दी वंड होणी आ तां सारा कुछ सामने आ जाणा कि किहड़े शहर दा जिहड़ा आ उह किन्ना कोटा आ। ते जदों भी आपां नूं इह कोटियां दी वंड दी लिस्ट जिहड़ी आपणे तक पहुँचदी आ तां आपां जल्दी तों जल्दी जिहड़ी आ चैनल दे उत्ते अपलोड कर देणी आ, ते इस करके तुसीं चैनल नूं जेकर नहीं सबसक्राइब कीता तां चैनल नूं कर लिओ सबसक्राइब, ते जिहड़ा नोटिफिकेशन वाला बैल आइकन आ उहनूं ऑल ते जरूर प्रेस कर लिओ, तां जो जिहड़ी नवीं अपलोड वीडियो कीती जावे तुहाडे तक उहदा नोटिफिकेशन जिहड़ा है सब तों पहलां पहुँच जावे। ते हुण गल कर लैंदे आ आपां जी दसंबर वाले पेपरां दी। कई मेरे वीर भरा अपना टाइम दसदे दसंबर वाले पेपरां दा, क्योंकि गल इस तरीके दे नाल आ कि जिहड़े दसंबर वाले पेपर आ हुण काफ़ी मेरे वीरां भरावां दे निकल रहे आ, ते जिहड़े मेरे वीरां भरावां दे पेपर निकल रहे आ दसंबर वाले उह तुहानूं कमेंट करके दस भी रहे आ ते अगे भी दस सकदे आ, तां जो जिहड़े होर भी जिहड़े मेरे वीरां भरावां ने दसंबर वाले पेपर भराए आ उहनां नूं भी जिहड़ी इक आस हो सके कि हाँ भी पेपर जिहड़े आ निकल रहे आ। ते जेकर असीं देखिया जावे कि जिहड़े तां हुण 2023 दे विच जिहड़े पहलां पेपर भरे हुए सीगे कईआं मेरे वीरां भरावां दे उह भी हुण निकल रहे आ, इस करके तुसीं टेंशन ना लिया करो, क्योंकि कोई नहीं पता हुंदा कि पेपर जिहड़े आ किस वेले तुहाडे निकल सकदे आ। कई बार तुहाडे जिहड़े आ 2024 वाले जे तुसीं पेपर भरे आ तां तुहाडे जिहड़े आ 2023 वाले पेपर आ उह भी निकल सकदे आ, तां इहदे विच कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हुंदी जे तुहाडे दो दो वारी पेपर भी निकले आउण, जिहड़े तुहाडे एक वारी पेपर आ उह कैंसल हो जांदे हुंदे जिहड़े नहीं निकले, ते जिहड़े तुहाडे निकले आ तुसीं उहनां दे उत्ते आ सकदे आ इटली दे विच, क्योंकि कई मेरे वीर भरा हुंदे आ कि आस छड जांदे आ कि हुण साडे पेपर जिहड़े आ नहीं निकलने, पर कई बार इस तरीके नाल हुंदा उहनां जिहड़े उहनां दे जिहड़े पेपर आ उह साल साल जां डेढ़ डेढ़ साल बाद वी कई मेरे वीरां भरावां दे पेपर निकल जांदे आ, इस करके तुसीं आस इक रख्या करो ते पेपर जिहड़े आ तुहाडे जरूर निकलूगे। ते जेकर जदों भी पेपर खोलदे हुंदे आ तां तुसीं दुबार 'च फिर पेपर भरा दिया करो, क्योंकि जेकर तुहाडे पहले पेपर नहीं निकले तां जिहड़े हुण दुबार 'च तुसीं भराए आ फिर उह तुहाडे निकल सकदे आ, जे पहले निकलदे आ तां वी कोई चक्कर नहीं हैगा, पर जे हुण तुसीं नवें भराउंगे तां उस विच जे तुहाडे निकल आउण तां सब तों वधिया गल आ। ते कई मेरे वीरां भरावां दे जिहड़े काफ़ी कमेंट आउंदे आ कि उहनां दा एजेंट जिहड़ा हुण फोन नहीं चकदा, उहनां दे पेपर भर दित्ते आ पर हुण एजेंट फोन नहीं चकदा ते उह की करन। ते मैं एक इत्थे एक गल होर कह देना चाहुंदा है कि क्योंकि हजे जिहड़े मार्च वाले पेपर आ देख लो अजे कुछ समां नहीं होया भर होया नूं, ते तुसीं जिहड़ा आ डेली एक अपने एजेंट नूं फोन करन लग पैंदे आ तां वी अगला नहीं फोन कई वारी चकदा,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਪੂਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੂਲਾ ਉਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨੂਲਾ ਉਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਲੇ ਉਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PDF ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਰੋ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਡੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਆ ਉਦੋਂ 0% ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2025 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਫਰਵਰੀ, 7 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਹੈ 2025 ਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨੂਲਾ ਉਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂਲਾ ਉਸਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ID। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
हाँ जी, तो हुण वधदे आं आपां अगले कमेंट वाल। अगला कमेंट हैगा राकेश सीमा वालों, सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल जी। तो इन्हां दा कमेंट हैगा भाजी, हुण मैं दुबई हाँ तो मेरा पासपोर्ट जिहड़ा है नैक्सट ईयर जिहड़ा 9/3/2025 दे विच एक्सपायर हो जाणा है, तो कहिंदे आ कि पासपोर्ट अपना जिहड़ा दुबई तो ही रीन्यू करा लैण जां इंडिया जाके कराउण नूं तां इह दुबई तो भी करा सकदे आ, पर जे इंडिया जाके कराउण तां होर भी ज़्यादा बेनीफिट आ, क्योंकि जब हजे तुहाडा न्यू लास्ट तो आना तो तुहानू इंडिया तो जाना ही पैना है, तो उदों तुसीं अपना जिहड़ा है पासपोर्ट रीन्यू करा सकते हैं। तो तुसीं अपने पासपोर्ट जदों रीन्यू कराओगे तो एक गल का ध्यान रखियो कि जिहड़ा तुहाडा नेम एंड सरनेम है जिहड़ा वो सही होना चाहिए बिल्कुल। जे उत्थों तुसीं पासपोर्ट नवां बना लैंदे इंडिया तो, पर तुसीं नेम अते सरनेम जिहड़ा नहीं कराउंदे तो तुहानू जिहड़ी इत्थे आ के फिर प्रॉब्लम आऊगी, तो इत्थे आ के जिहड़ा तुहानू पासपोर्ट फिर दुबारा रीन्यू कराउणा पैना। हाँ जी, तो अगला कमेंट हैगा जी दीपक बुधवार वालों, तो इन्हां दा कमेंट हैगा मेरे पेपर 12 दसंबर नूं कोटे दे विच नाम आ चुका आ, तो पर हजे नूला उस्ता जिहड़ा उह नहीं मिलिया, तो जेकर तुहाडा नाम जिहड़ा कोटे विच आ चुका है तो तुहाडे पेपर जिहड़े आ जरूर निकलूगे, तो क्योंकि जिहड़े हुण दसंबर वाले पेपर आ उह निकल रहे आ, कई मेरे वीरां भरावां दे आपां नूं कमेंट आए सीगे पेपर उहनां दे निकल रहे आ दसंबर वाले, तो तुसीं वेट कर लो जे कोटे विच ना आया तां पेपर जिहड़े आ तुहाडे जरूर निकलूगे। तो इस तों बाद जिहड़ा कमेंट हैगा यूजर नेम आ कोई, इन्हां दा कमेंट हैगा कि 18 मार्च वाले पेपर जिहड़े आ उह कदों निकलूगे, ते ये जिहड़े मेरे वीरां भरावां ने मार्च वाले महीने पेपर भराए सीगे, ते ये तुसीं हजे थोड़ी जी वेट करो क्योंकि हजे जिहड़े आ दसंबर वाले पेपर निकल रहे आ कई मेरे वीरां दे, तुसीं इन्ने ज़्यादा काहले ना पाओ, हजे जिहड़े पेपर आ तुहाडे थोड़ा जिहा टाइम लग जाणा, घट्टो घट्ट वी 2 महीने जिहड़े आ बाद तुहाडे पेपर जिहड़े उह निकलने शुरू होणे आ। तो इस तो अगला कमेंट हैगा जी हरप्रीत संधु वालों, इन्हों का कमेंट हैगा वीर जी जो पेपर भराए थे उदो पेपर जमा कराने या संजोन का नहीं पता सगा, तो ना ही आप एजेंट के नाल खुल के गल की सी, एजेंट ने कहा सिर्फ एंट्री कराने के लिए, तो इन का सवाल है कि जेड़े हुण ये नवे कानून आए हैं उन्होंने हिसाब न एंट्री करवानी जरूरी आ, ये ताड़ी गल बिल्कुल सही है कि जेड़े हुण नवे कानून आए आ जेड़े मालक आ उन्होंने पता है कि हुण जिहड़ी ये सारे पेपरां दी जिहड़ी आ एंट्री कराउणी तुहाडी जरूरी, क्योंकि मालक दे जिहड़े पेपर आ उह टेस्टड हो के कमूने वलों लगणगे नाल, पर इत्थे हुण चक्कर ये पैंदा है कि कई मालकां नूं तां ये नहीं पता हुंदा कि उहनां दे थ्रू जिहड़े आ उह किन्ने बंदिआं दे पेपर भर होए आ, इस करके एक जिहड़ा मालक सीगा उहने ईमेल भी कर दित्ती सीगी इमीग्रेशन वालिआं नूं कि इह जिहड़ा बंदा है उहनां दे थ्रू नहीं आ रिहा, इस करके एक मेरे वीर भरा नूं जिहड़ा इत्थों मोड़ भी दित्ता गिआ सीगा, क्योंकि जिहड़े एजेंट हुंदे सीगे उह एक बंदे दे एक मालक दे थ्रू ही काफ़ी बंदिआं दे जिहड़े उह पेपर भर दिंदे सीगे, ते जिहड़ा मालक नूं भी नहीं पता हुंदा सीगा कि उहदे थ्रू किन्ने बंदे भरे आ ते किहड़ा किहड़ा बंदा उहदे थ्रू आ रिहा आ, इस करके जिहड़ी काफ़ी प्रॉब्लम आउंदी आ। ते जिन्हां मेरे वीरां भरावां ने हुण इटली दे पेपर भराउणे आ अगे तों ते उह अपनी वीडियो सुन रहे आ, तां उह अगे तों इह गल्लां दा जरूर ध्यान रखण, पहले अपने एजेंट दे नाल सिर्फ एंट्री दी गल ना करन, अपने एजेंट दे नाल पेपरां दी भी गल करन ते जिहड़ा काम ते उत्थे लवाउण दी भी गल करन, क्योंकि काम दे हालात जिहड़े बहुत माड़े आ इस वक्त, ते तुसीं अपने एजेंट दे नाल सारियां गल्लां करिया करो जरूर, ते ध्यान रख्या करो हरेक गल दा, क्योंकि इत्थे आ के जिहड़ी आ काफ़ी बाद दे विच प्रॉब्लम आउंदी आ, तुसीं ये नहीं कह सकते आपां उत्थे जाके देख लवांगे, उत्थे जाके मुड़ के कोई नहीं पुछदा बाद दे विच, तुसीं पहले पैसे देण तों पहलां ही अपने एजेंट दे नाल ये सारियां जिहड़ियां गल्लां करिया करो। तो ये सीगी अपनी अज दी वीडियो, तो उम्मीद करते हैं कि अज दी वीडियो तुहानूं वधिया लगी होगी, वीडियो वधिया लगती हुंदी आ तां लाइक जरूर करिया करो, तो कमेंट करके तुसीं कोई अपना भी सवाल जवाब दस पुछ सकते हैं, तो वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करो तां जो अपने नाल होर भी अपने वीर भरा जुड़ सकन, ते आपां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी इनफॉर्मेशन मिल सके, ते हुण मिलदे आपां किसे नैक्सट वीडियो दे विच।